हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। राहुल गांधी ने तो बर्बाद कर ही दिया कांग्रेस को। अब सब यदि कांग्रेस के नेता पप्पू बनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की हालत क्या होगी। ये तो वही बात है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ट्विटर ने यदि राहुल गांधी का अकाउंट बंद किया है तो उसका कारण भी तो जान लो। कोई राहुल गांधी ने जाकर मेडल या पदक अर्जित नहीं किया। अरे राहुल गांधी, आपने संपूर्ण महिला जाति का और महिलाओं का अपमान किया है। आपने उस परंपरा को तोड़ा है जिसमें किसी भी पीड़ित महिला की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। आपने ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो कारनामा किया जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बर्बाद हुआ है। और कांग्रेस के नेता जहां एक और इस भूल को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए तो उल्टा राहुल गांधी और उनकी हरकत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। ट्विटर से लड़ाई अलग ढंग से लड़ी जा सकती थी, पर मुद्दा यह है कि ट्विटर ने आपका अकाउंट बंद क्यों किया, इस पर भी तो गौर कर लीजिए। अच्छा रहता कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता स्वयं आगे आकर महिलाओं से माफ़ी मांगते, क्योंकि ये केवल किसी एक नेता के ट्विटर के अकाउंट को बंद होने का प्रकरण नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता द्वारा संपूर्ण महिला जाति का सम्मान करने का प्रश्न है। मुझे लगता है इस हरकत से निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम हुआ है। राहुल गांधी जी को शर्म करनी चाहिए।